तो गाइस फाइनली जिस चीज का इंतजार था ये रही हमारी वाइफ। हाय बोलू। देखो कब आना है? 5 मंथ बाद। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, आप लोग देख सकते हो। और इधर जो है हमारी प्यारी सी मम्मी जो है कुछ लेकर आई है। अरे पापा और मैगी। तो वैसे मम्मी का तबियत ठीक नहीं है। मम्मी गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग मैं बता बेटी। मेरी भाई बहन सुबह के पहरे भरपूर एकदम मुस्कान के साथ भरपूर आशीर्वाद है। आपके जो है पापा जी बैठे हुए सुबह सुबह, पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों की तरफ से सुबह का आशीर्वाद, आप लोगों को आगे बढ़ते रहिए। चाय बनाने, ये देखिए अभी चाय बनाएंगे, मस्त आप लोग को पिलाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? ऐसा करते बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। आज का प्यारा व्लॉग सहारी ने स्टार्ट किया है। इधर हमारी प्यारी सी मम्मी खाना बना रही है और रागिनी सिस्टर से बात भी कर रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। रागिनी को गुड मॉर्निंग बोल दो। रागिनी से बात भी कर रही है, खाना भी बना रही है मम्मी। रागिनी गुड मॉर्निंग भैया के बोल दो। गरम गरम चावल चढ़ाया गया। इधर है पापा जी। पापा गुड मॉर्निंग बोले हैं। सुहानी व्लॉग बना ली है ऑलरेडी सवेरे उठ करके। अभी ऐसा करते हैं वीडियो का एडिटिंग करते हैं। आज कहीं निकलने का प्लान है, कहाँ जाने वाले आप लोग लास्ट तक व्लॉग को देखते रहिएगा। बाकी अभी सर्दी का मौसम ऐसा हो गया ना कि कुहासा हटने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो आपको दिखा दे थोड़ा सा, देखो दूर दूर की चीज़ें भी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला जैसा लग रहा है। अभी के सीन कुछ ऐसा, आपकी पेटवकरी बहन जो सुबह से चाउमीन बना ली है, और चाउमीन के साथ कौन रोटी खाता है? यही सबको आदत लगाई घर में चाउमीन के साथ रोटी खाने के लिए, यानी चाउमीन नहीं मैगी है ना। वाह वाह, मजा आ गया। यही सब चीज़ें तो इसका पेट भरता है, तभी ये मोटी नहीं होती। जाना है, हाली हाली मम्मी वाली मैगी ला देते हैं, खा लेना। आप लोग भी आगे खा लीजिए, ये देखिए गर्मा गर्म मैगी। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, वीडियो को फटाफट अपलोडिंग पे लगा दिए हैं। इधर है पापा जी। पापा मम्मी क्या कर रहे नीचे? अच्छा अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए। आप लोग को हम बताते हैं टाइम कितना हो रहा है। ये देखो 1 बजने वाला है। देखो 90% डाटा भी खर्च हो चुका है। ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक हम खाना नहीं खाते तो मम्मी पापा कोई भी खाना नहीं खाते, ऐसा सीन है हमारे घर में। और रजाई के अंदर बैठे बैठे ठंडे का मौसम है। देखो अभी का सीन देखो कैसा लग रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मॉर्निंग का ही टाइम है। ये देखो एकदम मॉर्निंग जैसा लग रहा है। हल्का सा भी धूप नहीं निकला हुआ है, ऐसा सीन है यहाँ का। देखो पुली वगैरह बढ़िया तरीके से काट दी थी अचार बनाने के लिए, उसी को सूखने के लिए रख दिए यहाँ पे। अभी हालांकि कहीं निकलना है, कहाँ निकलना है वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करो, आप लोग का व्लॉग को अपलोड करके थंबनेल बनाना है अभी, अब जाके फिर, क्योंकि आलसीपना इसलिए हो जाता है ना ठंडी का मौसम है। वीडियो एडिटिंग करते तो सोचते अब थोड़ा और करेंगे, अब थोड़ा सो लेते हैं, ऐसा ऐसा। इसी गाइस आज के लिए खुशखबरी है, हम जा रहे हैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए। तो इधर मम्मी जी जो है थोड़ी बहुत गुस्सा तो है, लेकिन अपनी पुतोह के लिए क्या बना रही है, टिकिया। ये देखिए सूजी है इसमें रखा हुआ, और ये तेल अभी आया है ना मम्मी। मम्मी पहले नहीं मानती लेकिन अब मान गई है। कुछ बोलना है? कुछ बोलना है क्या? अब बेटा का एक बार तो बोली दीजिए, बेटा का खुशी है तो मम्मी का भी खुशी है। और बेटा या बहू में तो कहता है जी बेटवा में बसल बा परान माँ हो। हाँ तो ना ही पुतोह में भी परान बसा हुआ है। तो ये वीडियो समझिए ना कि ये 29 तारीख से पहले शूट हो रहा है, ये 1 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही ये व्लॉग को शूट कर रहे हैं। बाकी कहाँ जाने वाले, कहाँ पे हमारी वाइफ रहती है, किस जगह पे जाने वाले, शुरू से अभी अपडेट नहीं बताए थे, लेकिन बीच में जैसे व्लॉग में धमाका बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। हालांकि एक बार दिल्ली गए थे तो मिलने का कोशिश किए, तो मम्मी बोली कि ऐसे खाली हाथ मत जाओ, आराम से जाना, नए साल वाले दिन उनसे मिलवा भी देना। लेकिन हालांकि फेस रिवील नहीं होगा, बस उनसे मिलवा देंगे, फेस रिवील 3 से 4 मंथ के अंदर में हो जाएगा, जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया। तो फिलहाल अभी मम्मी बना रही टिकिया, सुहानी भी आ रही पढ़ के, है ना। टिकिया बनाने का रेसिपी ये होता है कि पहले चीनी डाला जाता है, उसका घोल बनाया जाएगा, उसके बाद क्या हो कि इस मैदा को मिलाया जाएगा, उसमें फिर मम्मी किशमिश वगैरह, देखिए ये गड़ी है ना, गड़ी लेकर के आइए, ये देखो किस तरीके से रख रही है। ये कुछ रेसिपी होता है इस प्रकार से, ये देखिए आप लोग, इस प्रकार का है कुछ, और इसमें मैदा रखा हुआ है और तेल है वहाँ पर रिफाइंड का, उसको मम्मी मिक्स करेंगे बढ़िया से, और इसी में मिक्स करके मैदा मिक्स करके मिला देंगे अच्छे तरीके से, छोटा छोटा करके काट दो। अच्छा इसको काटना होगा ना, इसको छोटा छोटा पीस में काट करके इसमें मिलाया जाएगा। मम्मी किशमिश तो रख देना, किशमिश रखा था ना? हाँ
लेकिन तो ठीक नहीं है, तब हटा दीजिएगा। वैसे अभी का सीन कुछ ऐसा है, पापा जी भी हाथ बटाने में लगे हुए हैं, मम्मी नारियल को काट रही है, पापा एकदम बढ़िया थे इसको घुलाने में लगे जो है। मैदा को मस्त मिलाया जाएगा तब देखिएगा टिकिया बनेगा, उसको खस्ता बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि यूपी में दूसरा भाषा में बोला जाता है ना पापा, वहाँ पे खस्ता ही शायद बोलते हैं। खस्ता तो यहाँ बिहार में भी बोला जाता है, खस्ता बड़ा स्वादिष्ट बनता है भाई। बिहार का भाषा है वो, यूपी का भाषा है ये शक्कर। हाँ, हमारे बिहार का भाषा है चीनी, चीनी शक्कर। मीठा का गुड़, गुड़ बोलता है, हाँ मीठा बोला जाता है। गाइस देखो किस तरीके से मिक्स किया जा रहा है, मैदा इसमें कट्टुक यानी नारियल मिलाया, गरी मिलाया गया, जो भी भाषा में आप बात कर सकते हो, और मैदा मिला हुआ है आपके प्यारी मम्मी जी रिफाइन तेल में है ना। अभी का सीन ऐसा हो गया था कि बिल्ली आई थी खरगोश को खाने के लिए ना मम्मी, तोता महाराज जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भांडा फोड़ दिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि तोता पालने का मतलब यही है कि तोता की वजह से ही चिड़िया और खरगोश दोनों का दोनों बच्चा हुआ है, ऐसा सीन है। क्योंकि जब भी बिल्ली खाने के लिए आता तो तोता जो है इंसान की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ बिल्ली उल्ली परेशान कर रहा है ना पापा, चौकीदारी करता है, चौकीदारी करता है, इसलिए बच जाता है। बड़ा हैरान होकर बैठा हुआ था बेचारा, पानी पड़ के आ चुकी है, रोज हमें दरवाजा खोलना पड़ता है सुहाने के लिए। हम चौकीदार हैं। क्या पढ़ाई की आज? हाँ तो गाइस इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी आ चुकी है पढ़ करके, मम्मी बना रही है गर्मा गर्म टिकिया, इधर पापा भी लगे हुए हैं। कहाँ जाना है? हाँ और कहाँ? प्रागिनी देवी तिल संक्रांत में ना जाएंगे जा। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम गाइस ऐसा करते हैं रेडी हो जाते हैं क्योंकि सारा कुछ हम कंप्लीट कर लिए, थंबनेल वगैरह सब कुछ। अर्जेंट काम था तो सिग्नेचर वहाँ पे भेजना पड़ा, वहाँ पे हमारा मार्कशीट है। तो सुहानी बोले कि इतना कम नंबर क्यों लाए आप? इतना कम नंबर इसलिए लाए थे कि हम पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, वीडियो बनाते थे। राइटिंग अच्छा है, ऐसी हो गया होगा गोल मटोल। सुहानी बोले कि आप पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, आपका राइटिंग इतना अच्छा बेटर कैसे है? तो फिलहाल अभी रेडी हो जाए, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, फिर निकलेंगे मम्मी पापा को छोड़ करके, बस एक दिन में वापस आ जाएंगे क्योंकि न्यू ईयर को ये ब्लॉग डालना है हमें। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए, और काफ़ी दिन बाद बस कुछ ही देर के सफर में आप लोग को मिलवाने वाले हैं। ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिए, मम्मी अपना ख्याल रखिए, तुम भी खुश रहो। हाँ ठीक है, बहू से मिलेंगे तो आप वीडियो कॉल सबका बात कराएंगे। ठीक ठीक है, अच्छा से वहाँ गाड़ी धर लेना, जा करके फोन कर कीजिएगा। बिल्कुल, और मम्मी खूब बढ़िया अपना बहू के लिए कुछ कुछ बना बना के पैक कर दी है, बैग में एकदम भरा हुआ है। तब निकलेंगे यहाँ से साबुर पटोरी, फिर हाजीपुर से जहाँ जाएंगे अभी लोकेशन नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, बस आप लोग गेस कर लेना अगर जानते हो वो जगह। गाइज डेली जाते हैं पटोरी, पर आज आने में बड़ा भारी पड़ गया, लेट हो गया सापुर पटोरी। एक मिनट बचा हुआ ट्रेन आए, फटाफट ट्रेन पकड़ते फिर मिलते हैं आप लोग। गाइज फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, मस्त यहाँ से निकलते हैं हाजीपुर, और बिहार से आउट ऑफ जाने के लिए सारा ट्रेन लेट है। लेट इसलिए है क्योंकि कुहेसा बहुत ज़्यादा चल रहा है ठंडी के टाइम में, बट फिलहाल देखते हैं कैसा क्या होता है, बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी बार हम जा चुके हैं, हालाँकि ब्लॉग में दिखाए नहीं आप लोगों को। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन पे, यहाँ से ट्रेन है कहाँ जाने के लिए, बिहार में ही है या कहीं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कुछ प्राइवेसी है, कुछ दिन तक वेट कीजिए, जल्दी रिवील करने वाले हैं। बाकी अभी ट्रेन काफ़ी सारा लेट है, इसलिए लेट है क्योंकि कुहेसा का टाइम है, ठंडी का समय भी है, इसी वजह से ट्रेन जो है काफ़ी, एक घंटा नहीं, दो घंटा नहीं, चार चार पाँच पाँच दस दस घंटा लेट है, ऐसा ट्रेन है सोचो। और जहाँ हम जा रहे हैं ना कम से कम चार घंटे का रास्ता है, वो वहाँ पर कैसे भी करके हमको पहुँचना है कल सवेरे तक, छः से सात बजे तक।
ऐसा सीन है। फिलहाल अभी देखते हैं ट्रेन का वेट करते हैं, आ रही ट्रेन। समझिए जो हमारा ट्रेन आ रहा है ना वो 4 घंटा लेट है सिर्फ वाइफ से मिलने के लिए। बताओ अगर बिहार में वो रहती तो जल्दी से रिवील वगैरह भी कर देती, सब बढ़िया रहता। ये ट्रेन अभी 2 घंटा और ज़्यादा लेट है, रात का 9 बजने वाला है। एक बोतल पानी और कुरकुरा ले लिए हैं, मस्त अभी खाते हैं, फिर थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर ट्रेन पकड़ के निकलते हैं। भाई जीवन में हर जगह पर संघर्ष है, वाइफ से मिलने भी जा रहे हैं वहाँ भी देरी है, वहाँ के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, और ये आज से नहीं 6-7 महीने से हो रहा है। सर सी हम जब भी जाते हैं तब ट्रेन लेट ही रहता है, क्या करें, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा तभी पेट भर पाया, क्योंकि सुबह से खाना भी नहीं खाए थे। यानी समझिए मॉर्निंग में नाश्ता किए थे, फिर इवनिंग में थोड़ा सा चावल खाए थे, सब्जी खाए थे, फिर चले आए। आज आप लोगों ने देखा भी नहीं हो खाना खाए थे कि नहीं, क्योंकि पूरा हम लोग तैयारी में बने हुए थे, कैसा क्या है क्या नहीं। बस आप लोग प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे आगे बढ़ाते रहो। अपने भाई को दादी भाभी जी से मिलवाने वाले, क्योंकि हमारा लाइफ तो ऐसा ही है, खुद का गाड़ी होता तो हम चले जाते। काफ़ी सारे भैया लोग यूट्यूबर जिनके पास चार पहिया गाड़ी है, वो 4 पहिया गाड़ी से ही चले जाते। लेकिन मेरा भी मन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर को तकलीफ़ों को देख करके, काफ़ी बार फ्लाइट से भी घूम चुके हैं बट बार बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा हमारा लाइफ हो गया है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। बाकी अभी ट्रेन आने में 2 घंटा लेट है, सोचो रात का 9 बजने वाला, यानी 11 बजे ट्रेन पकड़ेंगे रात में। फाइनली मैं पहुँच चुका अपने वाइफ के गाँव, वही रेलवे स्टेशन है, अभी रिवील नहीं करूँगा। अभी जाने वाले हैं कहीं अलग उनसे मिलने के लिए, और जल्दी जल्दी जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो घर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि रात में 9:55 पर ट्रेन आया था और अभी पहुंचे हैं करीबन मॉर्निंग के 5 बजे, ऐसा सीन है। तो चलते हैं सीधे मिलवाते हैं आप लोगों से। तो अभी हम बैठ चुके हैं लोकल ट्रेन में, यहाँ से भी 2 घंटा का रास्ता, सोचो इतने दूर आपकी भाभी रहती है। हालाँकि कई सारे ब्लॉग में रिवील करने का कोशिश किए हैं और जल्दी रिवील करेंगे। आप लोग बुरा मान रहे होंगे कि राजा जा रहा है, शादी भी कर लिया आपके राजा ब्लॉग, और अच्छे तरीके से बताया भी नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं किए, अचानक से उनसे मिलने भी जा रहे हैं, कब क्या कैसा क्या होगा। तो कुछ मजबूरियाँ उसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी ये ट्रेन बड़ा सुनहरा सा लग रहा है, देखो इतना खूबसूरत सा। ये भी एक जर्नी होगा यार, एक टाइम आएगा तो याद आएगा कि अपनी वाइफ से जब हम मिलने के लिए जाया करते थे, उनको जब घर पर नहीं लाए थे, वो सब चीज़ें एक मोमेंट बन जाएगा है ना लाइफ के लिए, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। तो गाइस फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था ये रही हमारी वाइफ। हाय बोलू। तो काफ़ी मेहनत के बाद ट्रेवलिंग कर करके आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं कि हम कहाँ पे आए हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। बहुत पहले ही मैरिड हो गया, हमने ब्लॉग में बताया था कि हाँ हमारी एक वाइफ है जो हम 6-7 महीने पहले शादी कर लिए थे, तो अभी उन्हीं के यहाँ आए हुए हैं। अभी ऐसा सीन है कि आपको कोई सा भी चीज़ रिवील नहीं करवाएंगे और फेस भी रिवील नहीं होगा। आप ठीक है ना? और जल्दी आने वाली हैं, भगवान का कृपा रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी अब ये गूंगे बन के रहेंगे, देख लो जितने लोग कमेंट करते हो कि आप शादी की हो कि नहीं, तो राजा ब्लॉग की ये हमारी वाइफ है ना। और जल्दी आने वाली हैं और कुछ रीति रिवाज के साथ में कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सब कुछ ठीक हो जाए भगवान की दुआ से। और आप लोग भी दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए घर परिवार, क्योंकि घर बनाना भी ज़रूरी है। छोटी सिस्टर पढ़ाई भी करी, वो सब कुछ अच्छे तरीके से सब सही हो जाएगा, तो हम जल्द ही आप लोग के बीच आने वाले हैं। फिलहाल अभी यहीं से टाटा बाय बाय देखते रहिए। लेकिन एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जो व्यक्ति शादी करता है ना वो सुकून से नहीं रहता, ये बात सच है। ये अभी देखने में चुपचाप रहती है ना, जितना बोलेंगे ना, जितना हम बोल नहीं पाते ब्लॉग में, उससे कई गुना ये ज़्यादा बोलती है ना। और ये टीचिंग भी करती थी, पढ़ाने भी जाती, इनका राइटिंग भी बहुत मस्त है। अगर ये लेटर लिखेंगे लव वाला ना न्यू ईयर का, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा सीन है। बस आप लोग आशीर्वाद दो, कमेंट करो अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है और ठीक हो जाए। क्योंकि देखो मेरे माता पिता चाहते हैं कि देखो हम माता पिता के खिलाफ शादी किए थे, आपको पता है, क्योंकि मम्मी पापा भी एक बार मना किए थे कि अपना और ज़्यादा करियर बना लो फिर उसके बाद सब कुछ देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड होना लाइफ में बड़ा बेकार चीज़ होता है, उसके पीछे पैसे उड़ाओ, उसके पीछे दौड़ो भागो, ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें बहुत तरीके का बात होता है। बट ऐसा नहीं है, यही वो लड़की है जिसकी वजह से आपका राजा ब्लॉग बना है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, इस मुकाम को हासिल किए। हर बार मोटिवेट की हमको, समझाते रहे कि नहीं आप ऐसे करते रहो ऐसे करते रहो। वीडियो के लिए डिमोटिवेट होते थे, समझिए कि टेंशन में रहा करते थे, कैसा क्या होगा हमारे लाइफ में, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन में कर दिया है वीडियोज़ में लेकर के, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो गर्लफ्रेंड बनाओ ऐसे कि आपकी लाइफ बन जाए और वो आपके लाइफ पार्टनर बन जाए एक ना एक दिन, और आप सक्सेस हो। इनका कहना यही था कि आप सक्सेस हो जाओ। देखो मेरा शक्ल देखो है ना बेटा,
मेरा शक्ल देखो इतना काला भटूरा जैसा है, ये इतनी गोरी गोरी सी है, बताओ कभी मैचिंग होता? हम कभी नहीं सोचते थे कि हमें लोग नेट पे देखेंगे, हम वायरल हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने सहानुभूति दी, हिम्मत बढ़ाई कि करते रहो करते रहो। पहले हमारे लाइफ में क्या होता था कि हम जब भी हम ब्लॉग अपलोड करते थे तो उस पर 5 व्यू 6 व्यू जाता था, तो ये रात भर हम दोनों जगह जगह देखते थे कि मेरा वीडियो में देखे तो कितना व्यू गया कौन कमेंट किया ऐसा था, लेकिन अभी लाखों में हजारों मिलियन में जा रहे, तो ये सब आप लोगों का प्यार है, तो बस सपोर्ट बनाए रखो, कमाना है, बोलना नहीं बोलना नहीं इशारे में बोल दो कितने दिन बाद, हाँ 5 मंथ बाद, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लोगों का एक मतलब मन में क्वेश्चन होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा वैसा, देखो कहीं भी किसी की बहू बेटियों को ला करके अपने वीडियोस में झूठा दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेकार होता है, है ना। हमने लाइफ में जो चीज़ें करा, हमने खुलेआम बोला कि हमने शादी कर लिया, बस फेस रिवील होना, क्योंकि समाज के तौर तरीके होते हैं, परिवार भी होते हैं, सब कुछ देख करके चलना होता है। थोड़ा सा वेट करो आप लोग, सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए इतने, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बोलते हो कि हमारी वाइफ जो है कहाँ की रहने वाली है, तो ये भी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई लोकेशन नहीं बताया, ट्रेन भी नहीं बताया, बस डायरेक्ट यहाँ पे चले आए, ऐसा सीन है। बाकी 4 मिनट का वीडियो हो गया, आप लोग प्यार बरसाते रहो, जल्दी आने वाला है व्लॉग अच्छा खासा घर पे, और शादी भी होगा, पार्टी भी होगा, धूमधाम सभी लोगों को बुलाएंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बिहार समस्तीपुर से देख लो, पूरा फुल सपोर्ट को बगल में इंस्टा आईडी जाके फॉलो करो अपना, किंतु निकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।